आप भाग कह रहे हैं? भागत का बड़ा है? आप ही लोग हम आवाज उठा रहे हैं, सही बात है। और आप भाग रहे हैं, भुलाओ पर भाग रहे हैं। आप पैसेंजर को क्यों उतारे हैं? मंत्री तो इतना घमंडी हो गया था, आता है जाता है, पूछने के लिए नहीं आता है। यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, बस वोट का मतलब है, दूसरा कुछ मतलब बात कर लेगा, वोट ले लेगा, बस जाता है। ये हिंदू है, ये मुहम्मदन है, अच्छा बस इतने में स्कूल का दिखाइए कितना स्थिति खराब है। आए दिन यहाँ पर घटना होते रहती है, और यहाँ के स्थानीय पर्यटन मंत्री हैं, वो आते भी जाते हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं, लेकिन उनसे आँख से नहीं दिखाई देता है। तो ये लगवाए हैं, एक बार गाड़ी उड़ी घेरे थे सब नारायण सिंह के विधायक के, गाड़ी उड़ी घेरे थे तो लगा। तीन चार रोज हुआ, एक मोटरसाइकिल वाला का औरत के साथ में आ रहा था, लेडीज बैठाया हुआ था, यहीं पर लेट गया और वो पत्थर पर लग के उसका सर फट गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं जय बीटीएच न्यूज चैनल। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं नौतन के बैकुटवा पुल पर, जहां पर देख सकते हैं कितना स्थिति खराब है। पहले पुल दिखाइए पूरे दर्शकों को, यहां पर देखिए कितना जर्जर स्थिति हो गया है, काफ़ी परेशानी होता है यहां के लोगों को आने या जाने में, और आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई घटना होते रहता है। पूरा दिखाइए पुल का कितना जर्जर स्थिति हो गया है। कब से पुल इतना बस से बदतर है? ये 5 साल हो गया, 5 साल से इसका बुत्तर हाल हो गया है। अच्छा, उससे पहले 2 साल पहले ये बीसी ढलाई जो हुआ था वो फटा था खाली, और उसी टाइम अगर रिपेयरिंग होता तो ये सही रह जाता, लेकिन रिपेयरिंग में कोई ध्यान ही नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं देता, कोई नया नहीं देता है। लोग विधायक लोग आता है और अपना वोट मांग करके चला जाता है, साला देखने भी नहीं आता है कि हाँ हमारा जनता हमारे गाँव का, जैसे हम जहाँ से आए हैं प्रतिनिधि चुन के, उन लोग का क्या हाल है, कभी वो लोग पूछने तक नहीं आया। यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होता है, आए दिन दुर्घटना होता है। 3-4 रोज हुआ, एक मोटरसाइकिल वाला का औरत के साथ में आ रहा था, लेडीज बैठाया हुआ था, यहीं पर उलट गया और वो पत्थर पर लग के उसका सर फट गया। अच्छा, स्थानीय पर्यटन यहाँ पर गाड़ी भी 2 ठो उल्टा हुआ है, पलटा हुआ है, लेकिन कोई वास्ता नहीं है, किराच ले आकर के लोग निकाला हुआ अपना। यहाँ का स्थानीय पर्यटन मंत्री है, हाँ, उनसे आप लोग जाकर बात किए हैं? हम लोग नहीं गए, वहाँ आते हैं, वो आए थे एक बार दो बार वोट मांगने के लिए, तो उनका आंख फूटा हुआ है, देख नहीं रहे हैं कि हमारा हमारे पंचायत में हमारे गांव में जहाँ से हम प्रतिनिधि, उनका गाड़ी का आप लोग रोकिए, विरोध कीजिए कि काहे रोड नहीं बन रहा है। अब गाड़ी हम लोग का क्यों रोकेंगे, वो अंधे हैं, अगर वो अंधे हैं तो हम लोग रोक, मंत्री बने हुए हैं, हम लोग उनको नहीं रोकते हैं, नहीं बोलते हैं, अपना वो खुद देख के करें, दूसरी बार आएंगे तो फिर हम लोग आँख से दिखता है, तभी रोड नहीं बन गया रहता। अगर उनका आँख ठीक नहीं है तो दूसरी बार आएंगे ना, तो उनका स्वागत बढ़िया अच्छा से हो जाएगा, और दूसरी बार बहुत अच्छा वोट से जीत के जाएंगे वो। आइए और यहाँ पर लोग बातचीत करते हैं। रोड कब से खराब है? 4-5 साल से। कब से आप लोगों को परेशानी होती है? 4-5 साल से, बरसात में तो और परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ पे एम्बुलेंस फंस जाता है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे कितना गड्ढा है, कवरेज करके दिखाइए इनको सारा, देखिए कितना यहाँ पे दिखाइए, पूरा देख सकते हैं कितना पूरा गड्ढा है। और सरकार से आप खुश हैं? नहीं, सरकार से खुश कहाँ, बताइए यहाँ पे बनना नहीं चाहिए क्या है, कैसे भी पुल का ही स्थिति है, आए दिन यहाँ पे घटना होते रहती है, और आने जाने में काफी भी दिक्कत, काफी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हर एक टेम्पो तक नहीं पास होता है, देखिए ना आप, आप आए दोनों बाजू नदी, अगर इधर जाएगा तो नदी में जाएगा, उधर जाएगा तो भी नदी में, यहाँ पर ट्रक भी चलता है, ट्रक 22 चक्का जाता है, 16 चक्का ट्रक सब ज्यादा ट्रक इसमें। अच्छा, हाँ, ये रोड मतलब गोपालगंज में मिलता है, ये रोड ये सिर्फ नाम के लिए हाईवे रोड है, इसमें कोई काम नहीं है, बरसात में बहुत खराब हो जाता है ये। अब बस से स्थिति पुल का दिखाइए कितना स्थिति खराब है, आए दिन यहाँ पर घटना होते रहती है, और यहाँ के स्थानीय पर्यटन मंत्री हैं, वो आते भी जाते हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं, लेकिन उनसे आँख से नहीं दिखाई देता है। तो ये लगवाए हैं, एक बार गाड़ी उड़ी घेरे थे सब नारायण सिंह के विधायक के, गाड़ी उड़ी घेरे थे तो ये लगा है। अच्छा, इसी पे इसको लगा दिया गया, इसको मरम्मत बढ़िया से नहीं किया गया, काम चलाने के लिए सिर्फ बनाया गया, गाड़ी वो भी गाड़ी घेरा गया था उनका तो। अच्छा, दिखाइए देखिए गाड़ी कैसे चल रहा है, कितना दिक्कत होता है आने जाने में, और यहाँ के लोगों को भी काफी दिक्कत होता है, और यहाँ पर देखिए कितना, यहाँ पर मौत का समझिए कि पुल है, यहाँ पर दिखाइए पूरा, यहाँ पर दिखाइए देख सकते हैं, यहाँ पर मौत का भी समझिए पुल है, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई घटना घटते रहता है, और काफी परेशानी होती है यहाँ के स्थानीय लोगों को। आप आए हैं, कितना परेशानी हुआ आपको? बहुत परेशानी हुआ, बहुत ज्यादा परेशानी है, जब इधर आता है तब से परेशानी है, काफी यहाँ पर दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत देख सकते हैं, काफी दिक्कत होता है, बनवा देना चाहिए, बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर सांसद भी आते हैं जाते हैं देखते हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता है,
देख सकते हैं यहाँ पर काफी समझिए कि दिक्कत है यहाँ, मौत का समझिए पुल इसको कहिए, और यहाँ पर पूरा दिखाइए कि कितना यहाँ पर दिक्कत है। और यहाँ का स्थानीय पर्यटन मंत्री है, और मंत्री के होते हुए भी ये दशा आप लोग देख सकते हैं, काफी यहाँ पर स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है और आने जाने में भी। और यहाँ पर ऑटो से ई रिक्शा चालक से पब्लिक को वहाँ पर उतार कर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इतना यहाँ पर दिक्कत आप लोग देख सकते हैं। चाचा आप क्या करना चाहेंगे इतना बढ़िया रोड पर? अब तो देखते हैं, आप लोग देखबे करते हैं, देखिए कितना मजबूरी में आदमी आता है जाता है जाता है। अब बताइए उतना पैसेंजर को लेकर अब इतना टाइम में तो पार कर दिया रहता, वो अभी हो तो पैसेंजर लेकर उतर कर जाता है गाड़ी, कैसे आता है यहाँ पर? दुर्घटना भी होता है, बहुत दुर्घटना होता है यहाँ, बहुत होता है, हमेशा होता है यहाँ। हम लोग का घर यही ना, मरम्मत हुआ ये आप लोग करवाए हैं? हाँ, तो सब पब्लिक करवाया है। अच्छा, यहाँ के मंत्री कोई कुछ नहीं कर ना रहा है? ये मंत्री तो इतना घमंडी हो गया था, आता है जाता है। अच्छा, पूछने के लिए नहीं आता है यहाँ क्या होता है क्या नहीं है, बस वोट का मतलब है, दूसरा कुछ अच्छा का मतलब बात कर लेगा, लो वोट ले लेगा, ले बस जाता है, ये हिंदू है ये मुहम्मदन है। अच्छा, बस इतने में लाइफ फंसा कर यहाँ चले जाता है, वोट लेता है चल जाता है, इनसे पूछिए। आइए जानते हैं यहाँ ई रिक्शा चालक आ रहे हैं, क्यों आप चालक उतार कर रहे हैं, आपको कितना परेशानी हुआ है? बहुत परेशानी है सर। आप भाग कह रहे हैं? भागत का बड़ा आप ही लोग हम आवाज उठा रहे हैं, सही बात है, और आप भाग रहे हैं, भुलाओ पर था गाड़ी। आप पैसेंजर को क्यों उतारे हैं सर? गाड़ी उलट जाएगा, पैसेंजर को कुछ दिक्कत हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे काफी दिक्कत होता है, और गाड़ी भी उलट जाएगा, इतना यहाँ पर स्थिति खराब है पुल का। और हम कहना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय मंत्री से और सांसद जी हैं जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पर ध्यान दिया जाए और इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।